उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 10 आदिवासियों की हुई हत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धार जिले के मनावर नगर के गांधी चौराहे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मुर्दाबाद के नारे लगाए और दोनों के पुतले जलाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इन 10 आदिवासियों की हुई हत्या को लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी मृत परिजनों को आश्वासन देने जा रही थी, तो पुलिस प्रशासन ने बिना बताए प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर ऐसी जगह रखा जहां पर रात्रि 1 बजे तक उस स्थान पर लाइट नहीं थी, और जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला जलाया। नाम बता दें आप, किस पद पे बताए? नालेश्याम मुहेल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस। आज ये आपने पुतला किस हिसाब से जलाया? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो नरसंहार हुआ है, दबंगों द्वारा 10 आदिवासियों के का कत्लेआम किया, उसमें से 3 महिला है। उन मृत परिवारों को सांत्वना देने के लिए कल हमारी लाडली नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब सोनभद्र जा रही थी, तो बिगैर कुछ बताए उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में उनको एक ऐसी जगह ले जा के बंद किया जहां पर करीब रात को 1 बजे तक लाइट नहीं थी। हम ऐसी मोदी सरकार, ऐसी योगी सरकार की निंदा करते हैं, और आदिवासियों के साथ जो शोषण कर रहे हैं, दलितों के साथ शोषण कर रहे हैं, निम्न वर्ग के साथ शोषण कर रहे हैं, इससे देश नहीं चलेगा। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी आपको देश का प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए बनाया था, न कि उद्योगपतियों को चलाने के लिए।